और बताइए खुर्रम मियां, आजकल होशियार किस काम में मसरूफ रहते हैं? हमें पता नहीं अम्मी जान। अच्छा तो ये बताइए, आजकल जगत गोसैनी जनाने में कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर रही हैं? अम्मी आप हमेशा हमारी अम्मी के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे थे बेटे। अच्छा ये बताइए कि आपके अब्बा जान के दरबार में क्या नया हो रहा है, इसकी खबर तो होगी ना आपको? हमें इसके बारे में भी कुछ खास पता नहीं है। शहजादे आपकी उम्र हो रही है, देखिए आप कितने बड़े हो रहे हैं। इस उम्र में तो आपके दादा जान बादशाह बन चुके थे। आइए आइए हमारे साथ। आप हमारे लिए काम करेंगे खुर्रम बेटा? आप तो देख ही रहे हो हम यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, सारी खबरों से दूर। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी आंखें और कान बनकर शाही महल और जनाने की खबर रखें। हम आपके जासूस बनेंगे? बिल्कुल, लेकिन ये काम आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ करना होगा, क्योंकि वहां का हर एक शख्स आपसे बातें छुपाएगा। आपको उनका दिलो दिमाग पढ़ना होगा। और देखिए आज की तैयारी आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। अच्छा सच? सच, वरना हिंदुस्तान का अगला बादशाह अपनी आवाम की नब्ज कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेंगे, हम आपको इस सल्तनत के सबसे अच्छे जासूस बनकर दिखाएंगे। शाबाश, तो इसी खुशी में हमारे सबसे अच्छे जासूस के लिए उसकी पहली तनख्वाह, काम शुरू होने से पहले ही। बहुत देर कर दी आने में। हाँ कल सुबह सुबह हम आगरा के लिए निकल रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे थे। आगरा क्यों, क्या इरादा है आप लोगों का? तुम्हें क्या पड़ी है, चुपचाप सो जाओ। आपको एहसास ना हो लेकिन हमें आपकी फिक्र है, और आपसे ज्यादा लाडली की। हमें डर है कि आप दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उस पर कोई बुरा असर पड़े। कुछ बुरा नहीं होगा, अब से जो होगा अच्छा ही होगा। बताइए आपकी और मानसिंह की क्या बात हुई है, क्या करने का सोच रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि आप हमें उसके खिलाफ सलाह देगी और हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं। बताइए वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों, क्या करने का इरादा है? आगरे में शाही खजाना है, कहीं आप लोग, हमारा शक सही है ना? चलो तुम्हारी परेशानी दूर किए देते हैं। तुम्हारे अब्बू और भाई को आगरा भेजा गया है, तुम्हारे अब्बू सारा हिसाब और भाईजान खजाने की हिफाजत करने वाले हैं, और हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। वो हमारे लिए किले का दरवाजा खोलेंगे और हम खुसरो की फौज के लिए जो हमारे पीछे पीछे वहां आएंगे। लेकिन खुसरो तो आजाद होने वाले हैं, यहां बादशाह शाही शिकार के मजे ले रहे होंगे और वहां आगरा में लूट हो रही होगी, और उस खजाने से हजारों फौजी खरीदे जाएंगे जो बादशाह की गैर मौजूदगी में लाहौर पर हमला करके तख्त खुसरो के हवाले कर देंगे। खुश सो जाओ।
सलाम भाईजान। अरे खुर्रम बैठो। भाईजान आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमसे कहिए। हमें यहां से बाहर निकलना है, क्या तुम निकाल सकते हो? काश के हम ऐसा कर सकते। सच कहें तो अगर हम बादशाह होते तो आपको इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती। अच्छा तो अब तुम्हारे बादशाह बनने की हमें राह देखनी होगी। वाह, वैसे आप आजकल फुर्सत में करते क्या है? कुछ खास नहीं, वही जो हमेशा से करते आए हैं, खुफिया लोगों के साथ साजिश और लोगों के कत्ल करने की तैयारी। खुर्रम अभी भी बच्चों वाली बातें करते हो तुम, और क्या कर सकते हैं हम, यहां सड़ रहे हैं। कभी कभी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ लोग कभी कभी मिलने आते हैं, उनसे मिल लेते हैं। कौन आपसे मिलने आता है? क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही सवालों की झड़ी लगा दी है तुमने। अच्छा मेरी छोड़ो, बाहर की दुनिया के बारे में बताओ, हो क्या रहा है आजकल? दरबार और जनाने में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, कोई हमसे कुछ नहीं कहता, जब पूछो चुप करा देते हैं। अब तो हमने पूछना ही छोड़ दिया है। लेकिन हमसे तो पूछ ही रहे हो ना। अच्छा अब हम चलते हैं, कोई जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। खुर्रम अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना कि तुम शिकार खेलने जा रहे हो। आपको शिकार के बारे में कैसे मालूम? शिकार के बारे में तो सबको मालूम है, इस हफ्ते का सबसे बड़ा जश्न है, और हमें नहीं पता होगा? हम शिकार पर नहीं जा रहे, हमें इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है? खुर्रम अपना वजन डालना सीखो, तुम एक बादशाह के शहजादे हो, अभी से ही दब गए ना तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। इस उम्र तक तो दादाजान बादशाह बन गए थे, हमें पता है, और सब हमें यही नसीहत क्यों देते हैं? सही कहते हैं लोग, और तुम बेवकूफ हो, अब खड़े क्या हो, जाओ अपना हक मांगो। जैसे आपने मांगा था ना, नतीजा क्या हुआ? दफा हो जाओ यहां से। आपका आगरा अकेले जाना ये गलत फैसला है। हम आपकी बकवास सुन चुके हैं भाईजान, आप पर पहले से ही शक करते हैं, और उन्हें पता है कि आप उनसे या फिर अब्बू जान से मिलने कभी नहीं जाएंगे। आप हमें अपने साथ ले चलिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। देखिए अर्जुमन का जन्मदिन भी करीब है, ये एक अच्छा बहाना है, उन्हें शक भी नहीं होगा। तुम नहीं जाओगे? अब्बू हमसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और भाईजान तो हमारे लिए कुछ भी कर देंगे। उन्हें बस ये लगेगा कि हमें उनकी याद आ रही थी इसलिए हम चले आए। हमारे बहाने आप जो चाहे वहां कर सकते हैं। हमारी बस एक शर्त है, हमारे घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें आप मान सिंह से मशवरा ले सकते हैं, अगर हम आपके साथ चलेंगे तो आपकी जीतने की उम्मीद और बढ़ेगी। हमें वहां पहुंचने में 8 दिन लगेंगे। आपने हमें कभी घुड़सवारी करते नहीं देखा ना, आपको पीछे छोड़ जाएंगे हम। जल्दी से अपना सामान बांध लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ईश्वर आपकी सुरक्षा करे। बेगम हम जंग पे नहीं जा रहे हैं, शिकार पे जा रहे हैं।
पिछली बार जब आप शिकार के लिए गए थे, आपकी जान जाते जाते बची थी। बात तो आपकी सही है, हमारी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। शहंशाह, आप मेरी एक विनती मानेंगे? कहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बिना हमारी दुनिया में और है ही कौन? वो आपसे क्षमा मांगने के लिए तैयार है, वो समझ गया, उसे अपनी गलती का एहसास है। हम जानते हैं, हम उसकी माँ हैं। और उसे लगता है कि इसी बहाने हम आपका यकीन कर लेंगे। वो बच्चा है, गलती हो गई उससे। और जब वो गलतियां कर रहा था, तब आपने उसे रोका भी नहीं? हम आपसे सिर्फ एक मौका मांगने आए हैं, हम स्वयं उस पर नजर रखेंगे। हमारा बच्चा वहां पड़े पड़े पागल हो जाएगा। हम उसकी तकलीफ समझ सकते हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं। वहां तो सामान्य इंसान का विश्वास घुट जाता है, हमारा बेटा तो फिर भी शहजादा है। पूरा एक वर्ष वो वहां उस कैद में रहा है, उसे सजा मिल चुकी है। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि हमने उसे जिंदा रखा है। अगर आपके हृदय में हमारे लिए थोड़ा सा भी प्रेम हो या दया हो, तो एक बार, सिर्फ एक बार आप जाके उससे मिल लीजिए। हम उसे कैद से रिहा करने पर गौर फरमाएंगे, लेकिन अगर उसने दोबारा कोई भी गलती की तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम आपको वचन देते। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, हम उससे लौटने के बाद मिलेंगे, देखेंगे कि उसे माफ करने की गुंजाइश है या नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहां हर रोज तैनात रहते हो, तो कौन कौन आता है इनसे मिलने? हम बताएं हुजूर? ये क्या बताएगा हुजूर? हम बताते हैं, हर रोज सफाई करने वाली एक बूढ़ी आती है, और वो कभी कभी कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाती है हुजूर। कुछ काम की बातें भी तो बताओ। जी हुजूर, शहजादे खुसरू काफी। सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। हमें हमारे बेटे से मिलना है। हुजूर, बेगम मनबाई अक्सर आती हैं। दोनों माँ बेटे में बहुत बहस होती है। आज फिर बेचारी रोते हुए रुखसत हुई, लेकिन बेटे की मोहब्बत में फिर चली आई। हाँ
हमें भी अपने साथ ले चलिए ना, आप आज तक हमें शिकार पर अपने साथ लेके नहीं गए। हम आपको शिकार पर जरूर ले जाएंगे बेगम, यह हमारा आपसे वादा है, लेकिन आज नहीं। फिर शिकार के बाद आपकी पीठ कौन मलेगा? हम मलेंगे पाशा बेगम, आप फिक्र ना करें, इनकी पीठ मलेंगे, इनके पाँव दबाएंगे, वजीर आजम का काम और होता क्या। हम अपने कक्ष में जा रहे हैं, हमारे शहजादे का ख्याल रखिएगा महाबत। जो हुक्म पाशा बेगम। जाने की तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल हुजूर, कोका भार घोड़े पर बैठा हुआ है, बेचैन हो रहा है। हुजूर, आने की इजाजत है। बोलिए। बादशाह सलामत, हम शहजादे खुसरो की तरफ से एक अर्जी लाए। हम जानते हैं माजरा क्या है, उनकी अम्मी आई थी हमारे पास सिफारिश लेकर, उनसे कह दीजिएगा कि हम शिकार से लौटने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। हुजूर, कुछ दिन बाद आपके वालिद मरहूम बादशाह अकबर का जन्मदिन है, उस मौके पर शहजादे खुसरो उनके मकबरे पे जाके मन्नत मांगने की इजाजत मांग रहे हैं। शहजादे खुसरो जानते हैं ना कि वो कैद में है? हुजूर, खादिम तो बस पैगाम लाया। उन्हें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस वक्त वो हमारे और हमारे लोगों के गुनहगार हैं। गुस्ताखे माफ हुजूर, लेकिन उनके मुताबिक बादशाह अकबर के पोते होने के नाते ये उनका हक है। शहजादे से कह दो कि उनका हक क्या है, इसका फैसला बादशाह सलामत करेगा। जी हुजूर। जब हम वापस आएंगे तो शहजादे को हमारे अब्बा हुजूर के मकबरे पे जाने की इजाजत दे दीजिएगा। जी हुजूर। अब चले, जंगल में कई शेर भटक रहे होंगे हमारे भाले के नोक के इंतजार में। आओ महमूद, क्या खबर लाए? एक अच्छी खबर है हुजूर, मलिक अंबर भी शहजादे खुसरो की फौज की मदद करने के लिए तैयार है। ये आदमी भी जहांगीर से उतनी नफरत करता है जितनी हम। मलिक अंबर वाली बात राजा मानसिंह तक भी पहुंचा देना। जो हुक्म हुजूर। शहजादे खुसरो के मिजाज कैसे हैं आज? बिल्कुल बेबस और गम की गिरफ्त में, वो अपने दादा जान को बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें इस बेबसी और गम से छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी है आज। हुजूर, खाने खानम को हमारा सलाम। तुम लोग अभी तक खड़े हो, क्या तुम्हें इतला नहीं मिली? क्या हुजूर? यही कि हमारे आने तक शहजादे खुसरो को तैयार रखना है, उन्हें उनके मरहूम दादा जान जहां पना अकबर के मकबरे पे जाने की इजाजत दी गई है। चलिए निकालिए उन्हें बाहर। माफी चाहते हैं हुजूर, लेकिन हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है। अच्छा, खैर हम अभी हुक्म देते हैं, शहजादे खुसरो को बाहर निकालिए और हिफाजत से उन्हें मकबरे पर लेकर जाइए और वक्त से वापस लेकर आइएगा। क्या हुआ? गुस्ताखे माफ हुजूर, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमसे नाफरमानी की सजा जानते हैं आप? जी हुजूर, लेकिन हमें सिर्फ बादशाह जहांगीर के हुक्म की तामील करने की इजाजत है। ठीक, हम उनके वापस लौटने का इंतजार करेंगे, बेशक करेंगे, और उनके लौटने के बाद जब सबके सामने आपकी खाल उधेड़ी जाएगी तब आपको हमारा यकीन आएगा। अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। हमें एक बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं। आखिर कितनी बड़ी सेना तैयार कर पाएंगे हम लोग जो सलीम से लोहा ले सके? यदि सब कुछ हमारे अनुसार चलता रहा तो लगभग
12,000 सैनिक तैयार हो जाएंगे। लेकिन हुजूर, इतनी बड़ी फौज का मतलब है कि आप लोगों को आगरा पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। केवल 10 दिन लगेंगे, तब तक आप आगरा में हमारी चाबी बनकर रहेंगे और शाही खजाने पर नजर रखेंगे। एक बार शहजादे सलीम ने खजाने तक पहुंचने की कोशिश की थी, उन्हें आगरे के किले का महत्व अच्छी तरह मालूम है। जैसे ही खुसरो की सेना किले पर अपना कब्जा करेगी, हमारी सेना उनकी सेना से मिलकर लाहौर को अपना निशाना बनाएगी और फिर आमीन। अच्छा किया आपने जो अपनी बीवी और बच्ची को अपने साथ ले आए, इनके कारण आपको किले में कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं अपने लोगों को देखकर ये आपसे दगा ना कर बैठे। अलविदा, आपका ईश्वर आपकी रक्षा करे। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.